गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू द यूट्यूब लाइव क्लास ऑफ अन अकेडमी. दिस क्लास इज़ फॉर क्लास 12 बायोलॉजी. और जो चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 9th चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का. तो सबसे पहले इसका वेटेज और रिड्यूस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. बिफोर दैट, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज श्रुति पिल्ले. मैं आपको HSC क्लास 11 एंड क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. मैंने अपनी MSc बॉटनी में की है इन साइटोजेनेटिक स्पेशलाइजेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. मुझे 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बाय विच श्रुति. आप जब मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको HSC क्लास 11 एंड क्लास 12 के काफ़ी सारे क्लासेस मिलेंगे, जिसको एक्सेस करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड SPMAHA यूज़ कर सकते हैं. और प्लस पे अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और यूट्यूब के लाइव क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप मेरा YouTube रेफरल कोड SPMAMLIVE को यूज कर सकते हैं. सो अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो ये विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 11 मार्क्स का है. अब इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस्ड हैं. तो जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं आप उसको मार्क कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट, ओपन पेज नंबर 198 में वो जो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है और 9.15 टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का चार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है. देन पेज नंबर 209.7 सेंसरी रिसेप्टर्स. तो जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है, पेज नंबर 200, 201, 202, 203, 204, 205 एंड बाकी 206 का जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग तक आपको नहीं पढ़ना है. उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 182, क्या दिया यहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन. ये सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं. उनके पास प्रॉपर स्टमक या प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह नहीं होता. हाउएवर, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रिक्वायर बोथ अ कंट्रोल ओवर देयर लाइफ प्रोसेस एज वेल एज कोऑर्डिनेशन. मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ये किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं? ऑर्गन सिस्टम में. मतलब क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो मिलके रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं. किडनी की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं. तो ये सारे सिस्टम्स मिलके हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. कोऑर्डिनेट मतलब ये सभी सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी में क्या मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे. होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम. क्या सेम रहेगा? सेल में जो पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, वाटर, सॉल्ट, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाएगा. सी, जो यूट्यूब चैनल का लिंक है आप यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी सलमान. आप सर्च कर सकते हैं बायो विद श्रुति, अगर आप मेरे पर्सनल चैनल की बात कर रहे तो. और अनअकैडमी में है तो अनअकैडमी में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं 11th और 12th के आपको वहाँ पे मिल जाएगा. इसके आगे क्या दिया है? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ शो अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. प्लांट और एनिमल सभी में कुछ बॉडी सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे. इन प्लांट्स दिस इज डन बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट. तो प्लांट में कैसा होता है, कुछ केमिकल्स के मदद से ये मूवमेंट लाया जाता है, जैसा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटो मतलब लाइट,
ट्रॉपिक यानी मूवमेंट। तो जब प्लांट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइट मूवमेंट शो करते हैं तो उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने तुलसी का झाड़ देखा होगा तो तुलसी कैसा, लाइट के बिना ग्रो नहीं होता है। तो अगर उसको लाइट की कमी होती है तो जहाँ पे उसको लाइट मिलेगा वहाँ पर तुलसी का जो स्टेम है वो बेंट होगा। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा क्या, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल। तो अगर मूवमेंट केमिकल के रिस्पॉन्स में है तो उसको कीमोटैक्टिक कहते हैं। जैसे स्पर्म ओवम के तरफ कैसे मूव हो रहा है, तो ओवम कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज होंगे। देन थिग्मोटैक्टिक। थिग्मोटैक्टिक का मतलब होता है सेंसिटिव टू टच। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको छूते ही उसके लीफलेट्स बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को जब आप, इसको छुई मुई भी कहते हैं, जैसे आप छूते हैं तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, थिग्मोटैक्टिक। तो प्लांट्स तीन टाइप के मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट होते हैं, यहाँ पे तीन मेंशन किया है। विथ रिस्पेक्ट टू लाइट है तो फोटोट्रॉपिक, अगर विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल है तो कीमोटैक्टिक, विथ रिस्पेक्ट टू टच है तो थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट। एनिमल्स स्पेशली द हायर वर्टिब्रेट शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके पास बैकबोन हो। तो हम एनिमल्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं उनके अलग अलग बॉडी सिस्टम्स भी इवॉल्व हुए हैं। तो ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन होना और हमारे सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो जो भी फंक्शंस हैं हमारे अंदर वो कौन दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप एंड डिटेल ऑफ सिस्टम इन द ह्यूमन। तो ये खाली बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे हम डिटेल में नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। अब नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है, हमारे बाहर कोई भी चीज हो रही है जिसको हम लोग स्टिमुलस करके कह सकते हैं या फिर इम्पल्स कहते हैं या सिग्नल, ऐसा कुछ जिसको हमारी बॉडी सेंस करके एक्साइट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है या हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस या सिग्नल को बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि कैसे सिंपल एनिमल से नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले पोरी फेरा स्पॉन्ज में आता है। पोरी का मतलब होता है पोर एंड फेरा मतलब बेरिंग। इनके बॉडी में हमें छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ एनिमल है, मतलब एनिमल फाइला, एनिमल डिवीजन का सबसे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सबसे ओल्ड या फिर नॉट वेल डेवलप्ड, इसके कैरेक्टर्स इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। इवन दो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन स्पॉन्ज फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन, अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम इज लैकिंग। स्पॉन्ज में वैसे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। मतलब हमें ये पता है कि सेल डिवाइड और रीडिवाइड होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है और ये ऑर्गन अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं जो किसी लिविंग बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो स्पॉन्ज में हमको टिश्यू से ऑर्गन डिफरेंशिएशन कम दिखता है, इसके लिए इनके पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। हाउएवर, टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी दीज मल्टी सेलर एनिमल शुड डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है ऑर्गन डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा बहुत हमको मल्टी सेलर एनिमल्स जो होते हैं उनको अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए थोड़ा बहुत ऑर्गन डिफरेंशिएशन दिखाई देता है। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स फॉर वेरियस एक्टिविटी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन अदर्स। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, कुछ सेल्स स्पेशली वो काम करने के लिए मॉडिफाई होते हैं। जैसे जो ऑर्गन डाइजेशन करता है वही रेस्पिरेशन नहीं करता। डाइजेशन स्टमक स्पेसिफिकली डाइजेशन का काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है। तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ये काम करते हैं। इसके आगे क्या दिया है, लेटर इन द हायर एनिमल फाइला द डिफरेंट सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन एंड सिस्टम विच मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर फॉर स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है एनिमल्स में बॉडी सिस्टम्स भी इवॉल्व होते हैं
ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, और वेरी सॉरी जस्ट अ मिनट. ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हमारे आसपास कोई भी चेंजेस होते हैं, स्टिमुलस मतलब क्या, जैसे आँखों में धूप पड़ना, या फिर जब हम प्यास काटते हैं तो आँखों से पानी आना, या फिर कोई हमें मारने आ रहा है, तो ये सारे जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिससे हमें फ़र्क पड़ता है वो स्टिमुलस है या इम्पल्स कहते हैं. तो अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो हम खड़े होकर गाल नहीं आगे करते हैं, राइट, या चुपचाप मार नहीं खाते हैं, कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगे, शॉक होंगे या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये मूवमेंट जनरेट करने के लिए पहले तो इस स्टिमुलस, इस मैसेज को हमारे बॉडी में जाना होगा. तो इस मैसेज को सेंस कौन करता है? कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आईज लाइट को सेंस करेगा, नोज स्मेल को सेंस करेगा, स्किन टच या पेन जो है इसको सेंस करेगा, टंग टेस्ट को सेंस करेगा. ये सेंसरी ऑर्गन सेंस करने के बाद मैसेज किसके पास पहुंचाते हैं? ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, और ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से हमें मूवमेंट करना है. इन द लोअर एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया द नर्वस सिस्टम अचीव दिस फंक्शन. तो लोअर एनिमल्स जो होते हैं जैसे हाइड्रा, हाइड्रा किस में बिलोंग करते हैं? नाइडेरिया फाइलम में बिलोंग करता है, और प्लेनेरिया जो है ये फ्लैट वर्म्स प्लैटी हेलमिंथस फाइलम में बिलोंग करते हैं. प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथ यानी वर्म. इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है उनमें ये फंक्शन है. वाइल इन हायर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल इट इज डन बाय टू कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स. तो हाइड्रा प्लेनेरिया अपने इम्पल्स को, जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव कर पाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. लेकिन जो हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है जैसे ह्यूमन की बात करें, तो हमारे में इस मैसेज को रिसीव करने के लिए और मूवमेंट को जनरेट करने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं. एक है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल सिस्टम है. तो फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है. दीज टू सिस्टम्स विल बी स्टडीड सेपरेटली दो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर. तो इनको हम लोग अलग से बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये दोनों ही सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब साथ साथ काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी में बैलेंस बना रहे. बिफोर वी कंटिन्यू, यहाँ पे आस्क अ डाउट फीचर के बारे में दिया है. आप अपने डाउट्स को अनअकैडमी ऐप में पूछ सकते हैं. अनअकैडमी ऐप में सेल्फ स्टडी ऑप्शन में क्लिक करना है और वहाँ पे आप अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट, नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब हम देखेंगे कि कैसे सिंपल हाइड्रा से ह्यूमन तक नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ. 9.1 नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. हाइड्रा अ नाइडेरियन शोज द डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम. हमने बोला था ये नाइडेरिया फाइलम में बिलोंग करता है, और इनकी नर्वस सिस्टम कैसे डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब है स्कैटर्ड है, और ये मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है. मोस्ट प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल भी वेल डेवलप्ड नहीं है ये. हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है? हमारे सारे फंक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है. जो भी मैसेज है वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन ही हमको बताता है कि आगे क्या करना है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इधर नर्वस सिस्टम हर जगह पे स्कैटर्ड है. तो जहाँ पर भी हाइड्रा को रिस्पॉन्स जनरेट करना होगा वहाँ पे वहाँ के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. सो द नाइडेरियंस आर दस द फर्स्ट एनिमल ग्रुप शोइंग ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम. तो अगर पूछा कि सबसे पहला सिंपल ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम कौन सा फाइलम शो करता है एनिमल में, तो आंसर है नाइडेरियंस, एग्जाम्पल हाइड्रा. इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल्स एंड द नर्व सेल्स और न्यूरोन अलॉन्ग विद देयर फाइबर्स. हेलो प्रयुज. सो यहाँ पे क्या दिए, इनके पास क्या प्रेजेंट है? सेंसरी सेल्स. सेंसरी सेल्स क्या करेंगे? सेंस करने का काम करेंगे, और सेंस करके मैसेज बाकी ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना है. तो मैसेज पहुंचाने का काम कौन करेगा? नर्वस सेल्स, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं. तो न्यूरॉन्स का अपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर पढ़ा है. न्यूरॉन किससे बना है? सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन कहते हैं. और ये जो सेल बॉडी है ये ऊपर कुछ एक्सटेंशन शो करेंगे जिसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं. डेंड्रॉन बाद में जाके कुछ ब्रांचिंग शो करते हैं जिसको डेंड्राइट कहते हैं. इसी तरह से अगर नीचे से ये एक्सटेंड होके एक्सॉन भी फॉर्म करता है. तो हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं एक न्यूरॉन में?
सेल बॉडी साइटॉन, डेंड्राइट्स दिखते हैं और एक्सॉन दिखता है। तो जब भी इम्पल्स पास होता है तो इम्पल्स कैसे आता है, डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करते हैं, डेंड्राइट से साइटॉन, साइटॉन से एक्सॉन, फिर ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन इम्पल्स पास होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स भी होते हैं और न्यूरॉन्स भी होते हैं अलॉन्ग विद देयर फाइबर। फाइबर मतलब यहाँ पर नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, नर्व फाइबर इज एक्सॉन, एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं। द नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। हाइड्रा में नर्व सेल्स कैसे हैं, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है, इसीलिए इसको डिफ्यूज्ड बोला जाता है। एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय साइनैप्स। न्यूरॉन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन आपस में कैसे जुड़े हैं, साइनैप्स के मदद से जुड़े हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, दोनों के बीच में जो गैप है वह उसको क्या कहते हैं, साइनैप्स। सो बिटवीन देयर फाइबर टू फॉर्म द नर्व नेट। तो ये मिलकर ये सारे नर्व सेल्स जुड़े हुए होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, नर्व नेट। देर आर टू नर्व नेट्स बोथ इन द मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टिश्यू है जो हमको नाइडेरियंस में मिलता है जैसा हाइड्रा। और मीजोग्लिया क्या करता है, ये बाहर हाइड्रा के बाहर एपिडर्मिस बनाता है बॉडी के बाहर, और अंदर गैस्ट्रोडर्मिस करके एक लेयर बनाता है। गैस्ट्रोडर्मिस ये जो अंदर है हाइड्रा में एक कैविटी होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी कहते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी में स्टमक होता है डाइजेशन करने के लिए, इनके अंदर कैविटी होती है और ये कैविटी में ही इनका सर्कुलेशन वगैरह होता है। सो देर आर टू नर्व नेट्स बोथ इन द मीजोग्लिया, वन कनेक्टेड टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, सेकेंड टुवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये जो मीजोग्लिया है ये सेंटर में जो प्रेजेंट है, इनके पास दो नर्व नेट होता है, एक जो बाहर एपिडर्मिस के साथ जुड़ा होगा, एक जो अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के साथ जुड़ा होगा। दीज आर सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी वॉल एंड टेंटेकल बट सेंस ऑर्गन्स आर लैकिंग। तो ये जो नर्व नेट है ये क्या है, ये सेंसरी सेल्स है, सेंस करेंगे जो बॉडी सर्फेस में फैला हुआ है और बॉडी सर्फेस के साथ साथ टेंटेकल्स में भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रा में शेंडी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको टेंटेकल्स करके कहते हैं। टेंटेकल का फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स को रिसीव करना। तो यहाँ पे अगर हाइड्रा का कोई खाना है, फूड प्रे है इधर, तो टेंटेकल्स क्या करेगा, उस प्रे को डिटेक्ट करेगा और उनको खाएगा। इसी तरह से अगर हाइड्रा का कोई दुश्मन है तो वो भी टेंटेकल्स डिटेक्ट करके उस दुश्मन पे, प्रेडेटर पे अटैक करते हैं। लेकिन सेंस ऑर्गन्स आर लैकिंग, तो इनमें सेंसरी सेल्स होते हैं लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे पास नोज है, आईज है, वैसे ऑर्गन नहीं होता लेकिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स और बॉडी वॉल में। न्यूरॉन्स हैव फाइबर्स बट देर आर नो सेंसरी एंड मोटर नर्व। न्यूरॉन के पास फाइबर है, फाइबर मतलब एक्सॉन की बात हो रही है, नर्व फाइबर प्रेजेंट है लेकिन ऐसे सेंसरी और मोटर नर्व नहीं है। तो नर्व क्या होता है, ये भी ऑर्गन ही हो गया। सेंसरी और मोटर क्या है, जो मैसेज को सेंस करने में हेल्प करें। जैसे अगर मैं कुछ गर्म कर रही हूँ और मेरे हाथ को चटका लग रहा है तो इस पेन को सेंस करने के लिए मेरे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये सेंस करके ब्रेन को मैसेज पहुँचाएंगे, ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को मैसेज कहेगा कि चलो हाथ दर्द हो रहा है, अभी हमें हाथ हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, जो मैसेज मेरे ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन मेरे हाथ तक पहुँचाता है और मेरा हाथ मूव होगा मोटर न्यूरॉन्स की मदद से। सो द नर्व इम्पल्स शोज नो पोलैरिटी और डायरेक्शन। नर्व इम्पल्स के पास कोई भी पोलैरिटी या डायरेक्शन नहीं होता, मतलब हमारे में कैसा है, जो भी मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं वो सब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ब्रेन बताता है कि आगे क्या करना है। लेकिन इनमें ऐसा कोई सेंट्रल पार्ट नहीं है, तो नर्व इम्पल्स हर जगह पे स्कैटर्ड है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। दस इन हाइड्रा एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स कैन हैपन एट एनी पॉइंट। तो हाइड्रा में कहाँ कहीं भी उनको मूवमेंट करना है तो उस एरिया में सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इम्पल्स कैन बी कैरीड आउट थ्रू आउट द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। और वहीं से आप इम्पल्स को बाकी जगह पर भी पहुंचा सकते हैं न्यूरॉन्स की मदद से, दस ब्रिंगिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी और टेंटेकल्स। जिससे क्या होगा, इनके टेंटेकल्स मूव होंगे। मतलब जैसे अगर हाइड्रा को डिटेक्ट हुआ कि यहाँ पे उसका खाना है,
तो वो मैसेज को यहाँ के सेंसरी सेल्स डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद टेंटेकल्स की मूवमेंट कराएंगे जिससे वो खाना खा सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया कैचिंग ऑफ प्रे ड्यूरिंग फीडिंग, तो हाइड्रा को फीड करने में हेल्प करते हैं। द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, यस आई जूम इन सलमान। द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम, सिंपल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन अगर हम बात करें तो वो ओरिजिन कहाँ से हुआ? हाइड्रा से हुआ। तो एक तरह का इंडिकेटर या प्रूफ जिससे हमको ओरिजिन के बारे में पता चल रहा है नर्वस सिस्टम का। इट इज सीन इन द टीनोफोरा एज वेल एज इन द एंटरिक सिस्टम और गट वॉल ऑफ हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। अभी ये तो हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल दे दिया जो नाइडेरिया फाइलम में बिलोंग करता है। वैसे एक और फाइला आपने क्लास 11th में पढ़ा है टीनोफोरा करके, टीनोफोरा में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है प्लूरोब्रैकिया। तो ये जो पिक्चर है वो प्लूरोब्रैकिया का ही पिक्चर है। तो टीनोफोरा मेंबर्स में भी हमको ये डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम दिखता है उनके एंटेरिक सिस्टम में। एंटेरिक सिस्टम या गट वॉल मतलब इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन के वॉल में ऑफ हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो टीनोफोरा के इंटेस्टाइन में या मैन का जो इंटेस्टाइन का वॉल है वहां पे हमको डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम दिखता है। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ पे दिखता है? हाइड्रा में दिखता है, इसके अलावा टीनोफोरा में दिखता है, इंटेस्टाइन में, और मैन के गट वॉल में दिखता है। बिफोर वी कंटिन्यू, यहाँ पे अनअकैडमी पेरेंट ऐप के बारे में बताया है कि इसको डाउनलोड करके आपके पेरेंट्स आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 9.2 नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया। अब हाइड्रा से कैसे नर्वस सिस्टम प्लानेरिया में इवॉल्व हुआ? प्लानेरिया किस फाइलम में बिलोंग करता है? प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथ यानी वर्म। तो इसकी बॉडी जो होती है पीछे से और आगे से चपटी होती है इसलिए इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल विद अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हाइड्रा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है उसका सिस्टम जिसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर आपसे पूछा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल जिसके पास सिंपल ट्रू टाइप का नर्वस सिस्टम दिखता है, सिंपल नर्वस सिस्टम दिखता है, तो वो हाइड्रा है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में देखा गया, तो वो प्लानेरिया में देखा गया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो अगर ये प्लानेरिया है तो ये इसका डॉर्सल साइड है, डॉर्सल मतलब पीछे, और ये इसका वेंट्रल साइड है, वेंट्रल मतलब फ्रंट। तो फ्रंट साइड में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ सेरेब्रल और सेफेलिक गैंग्लियन अपियरिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप ब्रेन। गैंग्लियन का मतलब होता है बंडल ऑफ नर्व। तो एक नर्व का बंडल कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरेब्रम, ब्रेन के एरिया में प्रेजेंट है। इसको हम सेफेलिक गैंग्लियन भी बोलते हैं, सेफेलो मतलब ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है ये। और ये कैसा दिखता है? यू शेप्ड दिखता है, इन्वर्टेड यू शेप। तो यहाँ पे एक और पिक्चर है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है, सी इन्वर्टेड यू शेप। दीज लाइन द एंटीरियर और हेड रीजन। एंटीरियर का मतलब होता है अपर, तो हेड के रीजन में ये प्रेजेंट है। एंड फ्रॉम ईच गैंग्लियन, ईच गैंग्लियन मतलब हर जो नर्व का बंडल है उस नर्व बंडल से क्या अराइज होते हैं? 9 ब्रांचेस और दूसरे न्यूरॉन के ब्रांचिंग्स अराइज होते हैं बाहर की तरफ। वेंट्रली फ्रॉम बिलो द गैंग्लिया अराइज अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड और लॉन्ग नर्व कॉर्ड। वेंट्रली मतलब आगे से इस गैंग्लिया के नीचे हमको क्या मिलता है? लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड को लॉन्ग नर्व कॉर्ड या वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। वेंट्रल क्योंकि फ्रंट साइड में प्रेजेंट है, और नर्व कॉर्ड क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो नर्व इम्पल्स को पास करने में हेल्प करेंगे। दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स नर्व और कमीशर इन अ लैडर लाइक मैनर। तो यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है, लॉन्जिट्यूडिनल क्योंकि अक्रॉस द लेंथ प्रेजेंट है,
यहाँ पर भी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, उस कनेक्टिव या जॉइंट को हम ट्रांसफर नर्व या कमीशर कहते हैं। तो ये ऐसे जब जुड़ते हैं तो कैसे दिखते हैं, लैडर जैसे दिखते हैं, सीढ़ी जैसे। द पेरिफेरल नर्व प्लेक्सेस अराइजिंग लैटरली फ्रॉम वीएनसी। नर्व प्लेक्सेस, प्लेक्सेस का मतलब होता है बंडल ऑफ नर्व या ब्लड वेसल्स, और पेरिफेरल का मतलब है कि यहाँ पे बाउंड्री पे हमको कुछ और नर्व के बंडल्स दिखते हैं जो कैसे अराइज हो रहे हैं, लैटरली। लैटरली मतलब प्लानेरिया के दोनों, बॉडी के दोनों साइड से अराइज हो रहे हैं फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड मतलब ये जो नर्व कॉर्ड है यहाँ से। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेंसरी सेल्स अराइज इन लैटरल कॉर्ड इन द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इनकी बॉडी के बाउंड्री पे, पेरीफेरी यानी बाउंड्री पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स होंगे जो मैसेज को सेंस करने का काम करेंगे, जो साइड टू साइड अरेंज्ड है। अ पेयर ऑफ फोटो सेंसरी स्ट्रक्चर, द आईज आर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। फोटो का मतलब होता है लाइट। सो लाइट को सेंस करने के लिए कौन हेल्प करेगा, आईज। ये प्लेनेरिया के किस सरफेस में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल मतलब पीछे के तरफ प्रेजेंट होता है ब्रेन के। ऑल्सो देर आर सिंगल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी, और भी कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मैसेज को सेंस करने के लिए हेल्प करेंगे। सो टू कंक्लूड, इन द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड द अर्लियर स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच एंड ह्यूमन, वी हैव सीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ग्रेजुअल मतलब स्लो, ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हुई, बहुत टाइम लगा इनको इवॉल्व होने, और जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम मतलब जो नर्वस सिस्टम है, उसमें चेंजेस आ गया। तो कैसे सिंपल नर्वस सिस्टम, ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम जो हमको हाइड्रा में दिखता था, वहाँ से प्लेनेरिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवॉल्व हो गया उसी नर्वस सिस्टम में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ब्रेन के कुछ एरियाज, नर्व बंडल वगैरह दिखने लगे, सेंसरी ऑर्गन्स दिखने लगे, जैसे आईज फॉर एग्जाम्पल। देर इज अ हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन। हाई लेवल मतलब न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन दिखता है, एज इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग सेल्स एंड ऑल्सो इन द एंटायर सिस्टम, ग्रेजुअली फ्रॉम अ डिफ्यूज न्यूरल सिस्टम टू अ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। मतलब जैसे जैसे इवॉल्व हुए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल में से हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से मॉडिफाइड है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। तो हमारे में नर्वस कंट्रोल भी होता है और केमिकल कंट्रोल भी होता है, दोनों के मदद से हमारे फंक्शंस चलते हैं। और इसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब सारे जो फंक्शंस हैं वो ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ना कि हर जगह पे फैला हुआ है, जैसे हमने हाइड्रा के केस में देखा। द एक्सपांशन इनटू अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्वॉल्विंग ब्रेन, इट्स ग्रेजुअल एक्सपांशन इन साइज एंड फंक्शन। एक्सपांशन मतलब कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रेन की साइज बढ़ गई, ब्रेन के अलग अलग एरियाज हो गए, फंक्शंस भी डेवलप हो गए। दिस हैज लेड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन्स असिस्टिंग इन कोऑर्डिनेटिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद दैट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारे बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट और हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बैलेंस करने में ये अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हमको हेल्प करते हैं। ऑल्सो देयर इवोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम विच एफिशियंटली ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन वन पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड अनदर। तो सारे जो भी बॉडी में से जितने भी नर्व इम्पल्स हैं वो एक जगह पे आके बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से सारे फंक्शंस जो हैं वो आराम से हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, मतलब कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सारे, ये खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम इसको और डिटेल में समझेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग, यहाँ पे प्लस क्लास की डिटेल्स दी हैं, आप मेरे साथ प्लस क्लास में जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SP MAHA। अगर आप मिनिमम 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, एंड अगर आप HSC क्लास 12 के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आप क्लास 11 के प्लस क्लासेस भी देख सकते हैं। और प्लस में ऑलरेडी फुल सिलेबस हमारा कवर हो रहा है, प्रोफाइल पे कंप्लीट कोर्स ऑन बायोलॉजी मिलेगा, तो आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। जून से स्टार्ट हुआ था, हमने 9th चैप्टर तक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक कंप्लीट कर दिए। फिलहाल 10th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है, तो
तो दिसंबर 31 तक आप लोग का जो पोर्शन है वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आपको एक साथ नहीं भरना है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड एसपी महा यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरे फ्री क्लासेस देखते हैं तो उससे जनरेट होने वाले वॉच मिनट से आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप क्रेडिट्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इन केस अगर आपको प्लस सब्सक्राइब नहीं करना है तो स्पेशल क्लासेस में भी कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे 9.3 न्यूरल टिश्यू। तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम हाइड्रा में कैसा होता है, प्लानेरिया में कैसा होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से इवॉल्व होगा। सो द न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन तो प्राइमरी नर्व सेल है जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, तो ये न्यूरॉन के साथ चिपका हुआ होता है और नर्व इम्पल्स को पास करने के लिए हेल्प करता है। व्हाइल अ नर्व इज बंडल ऑफ एक्सॉन, द वर्ड नर्व इज यूज्ड फॉर बंडल ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सी न्यूरॉन मतलब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए, एक नर्व दिया है, एक ट्रैक्ट दिया है। तो उसको देख लेते हैं। पहले हमने एक्सॉन क्या है पढ़ा था। न्यूरॉन में एक्सॉन करके स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नर्व फाइबर भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमको बंडल ऑफ एक्सॉन या न्यूरॉन दिख रहे हैं तो हम उसको ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हमको बंडल ऑफ एक्सॉन दिख रहा है तो उसको हम लोग नर्व कहते हैं। तो ये दो टर्म्स याद रखने हैं, ट्रैक्ट एंड नर्व। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है बंडल ऑफ एक्सॉन तो उसको ट्रैक्ट कहेंगे। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है तो उसको नर्व कहेंगे। उसके बाद क्या दिया है? द नर्व्स में भी सेंसरी और मोटर और मिक्स टाइप। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी हो सकते हैं जो मैसेज को सेंस करने में हेल्प करेंगे, मोटर हो सकते हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेंगे, या मिक्स हो सकते हैं मतलब सेंसरी मोटर दोनों हो सकते हैं। ऑल दीज अलॉन्ग विद द नर्वस ऑर्गन मेक अप द नर्वस सिस्टम। ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं और हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं। दिस इज डन थ्रू द रिसेप्टर्स विच ब्रिंग इन सेंसरी इनपुट टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर मतलब क्या होता है? जो कुछ रिसीव करेगा। ये किस चीज को रिसीव करेगा? ये सिग्नल को रिसीव करेगा। तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाने का काम करेगा। प्रोसेसिंग इज कैरीड आउट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन थ्रू द मोटर कमांड द रिस्पॉन्स इज सेंड आउट। तो जब भी मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है तो जो CNS है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आगे अभी जब भी CNS आएगा हमको याद रखना है कि जस्ट अ मिनट। आगे जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा तो हमको याद रखना है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो मैसेज को CNS के पास भेजा जाएगा, ये मैसेज को प्रोसेस किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और बाद में ऑर्डर किया जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि हमको ये रिस्पॉन्ड करना है, हमें ऐसे रिएक्ट करना है। सो द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन ऑफ द CNS ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स टू और फ्रॉम द CNS। मतलब जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? साइटोन। साइटोन क्या होता है? साइटोन के बंडल। न्यूरॉन में जो साइटोन प्रेजेंट है उसकी बंडल की बात कर रहे हैं। तो ये मिलकर क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को ब्रेन के पास पहुंचाने में हेल्प करेंगे या ब्रेन से टारगेट ऑर्गन के पास। मतलब सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास और ब्रेन से टारगेट ऑर्गन के पास मैसेज पहुंचाने में कौन हेल्प करेगा? न्यूरॉन्स।
अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स, इसका स्ट्रक्चर. सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये हमारे नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू का हिस्सा है और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. यू मे रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. ये क्लास 11th में हो चुका है, इसको हमने स्टडी किया है पहले. कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 10, एनिमल टिश्यूज में. ईच मल्टीपोलर न्यूरॉन हैज 3 पार्ट, साइटॉन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है? तो डिपेंडिंग अपॉन कि साइटॉन और सेल बॉडी में से कितने एक्सटेंशंस आ रहे हैं, उसके बेसिस पर मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर ऐसे अलग अलग होते हैं. जैसे साइटॉन में से अगर आपको एक ही एक्सॉन मिल रहा है और बहुत सारे डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमको एक साइटॉन और सेल बॉडी दिखेगा जो कॉनिकल प्रोजेक्शंस शो करते हैं, जिसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, और एक्सॉन भी एक्सटेंड होके आते हैं. द साइटॉन हैज अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियोलस एंड न्यूरोप्लाज्म. तो साइटॉन के पास क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस दिख रहा है, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर सेंट्रल न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमको न्यूक्लियोलस भी दिखेगा. और साइटॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि न्यूरॉन का है ये साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. इसके बाद क्या दिया है? अ क्लियर फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड्स द न्यूक्लियस अराउंड विच देयर आर न्यूरोफाइब्रिल्स. क्लियर फिल्म मतलब थिन लेयर. तो एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, और इस साइटोप्लाज्म में हमको कुछ फाइबर्स मिलेंगे जो कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स. क्या है? कुछ फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जो नर्व इम्पल्स को पास करने में हेल्प करेंगे. निसल्स, ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स जैसे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, इसके अलावा गॉल्गी बॉडी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स इसमें दिखते हैं जो अलग अलग फंक्शन करेंगे. और निसल ग्रैन्यूल क्या होता है? इसको राइबोप्रोटीन कॉम्पोनेंट बोलते हैं. राइबो मतलब आरएनए, तो ये आरएनए प्रोटीन दोनों बाउंड कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसको निसल ग्रैन्यूल कहते हैं. ये भी नर्व इम्पल्स को पास करने में हेल्प करेंगे. तो निसल ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या है डिटेल में देखते हैं. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है जो किसकी मदद करेगा? न्यूरो ट्रांसमीटर को बनाने में हेल्प करेगा. न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिट यानी पास करने में हेल्प करे. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है. तो ये केमिकल अगर हम चाहते हैं कि नर्व इम्पल्स पास हो, तो हमें इस केमिकल की ज़रूरत होती है. तो ये केमिकल की सिंथेसिस कौन करेगा? एक एंजाइम करेगा, और उस एंजाइम का सिंथेसिस न्यूसल ग्रैन्यूल करता है. तो निसल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? ये आरएनए प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं. तो आरएनए के साथ बाउंड हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो एक एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं. और ये एंजाइम क्या बनाने में हेल्प करेगा? एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में हेल्प करेगा, जो नर्व इम्पल्स को पास होने में हेल्प करेंगे. न्यूरोफाइब्रिल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो न्यूरोफाइब्रिल्स हमने ऑलरेडी देख लिया था, कुछ फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटॉन में प्रेजेंट होते हैं. नर्व इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से एंटर होते हैं, तो ये आगे जाके इम्पल्स को पास करने में हेल्प करेगा. डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स क्या है? दीज आर स्मॉल कॉनिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटॉन. तो ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है ये राइटिंग. सी डेंड्रॉन्स क्या होते हैं? ये है साइटॉन, ये है सेल बॉडी. सेल बॉडी जो है ऐसे कॉनिकल एक्सटेंशन शो करते हैं, और इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं डेंड्रॉन. ये डेंड्रॉन आगे जाके और छोटे छोटे ब्रांचिंग शो करेंगे, और इस ब्रांचिंग्स को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट.
आगे देखते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रल्स बोथ कैन बी सीन एट द बेस ऑफ द डेंड्रॉन. तो डेंड्रॉन के बेस में हमको ऐसे आरएनए प्रोटीन कंपोनेंट निसल ग्रैन्यूल दिखेगा और ऐसे न्यूरोफाइब्रल्स भी दिखेगा. दे ट्रांसमिट मैसेज टुवर्ड्स द साइटोन, ये मैसेज को साइटोन के पास भेजेंगे. अब एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन एक सिंगल, एक ही एक्सॉन हमको दिख रहा है, सिंगल लॉन्ग यूजुअली अनब्रांच्ड. यहाँ पे हमको कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है जो साइटोन से अराइज हो रहा है एट द एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक क्या होता है, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक. इसी रीजन से एक्सॉन एक्सटेंड होके आते हैं. तो ये साइटोन और एक्सॉन के बीच में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ न्यूरोफाइब्रिल एंड निसल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट. तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर एक्सॉन हिलॉक में भी हमको ऐसे न्यूरोफाइब्रिल्स दिखेंगे जो इंपल्स को पास करने में हेल्प करेगा, लेकिन निसल्स ग्रैन्यूल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. टर्मिनली द एक्सॉन गिव्स आउट ब्रांचेस कॉल्ड एज टीलोडेंड्रॉन. तो ये जो एक्सॉन है टर्मिनली क्या शो करेंगे, ब्रांचिंग शो करेंगे, और जो ब्रांचिंग शो करते उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रॉन. कभी भी वर्ड में टीलो आता है मतलब टेल या टर्मिनल पार्ट. द एक्सॉन कैरी द मैसेजेस अवे फ्रॉम द साइटोन. एक्सॉन का फंक्शन क्या है, डेंड्राइट से मैसेज साइटोन में जाता है, साइटोन से मैसेज कौन लेके आएगा, एक्सॉन. एक्सॉन में गिव आउट लैटरल ब्रांचेस कॉल्ड एज कोलैटरल. तो एक्सॉन में भी हमको ब्रांचिंग्स दिखती हैं साइड टू साइड, इसलिए इसको बोला है कोलैटरल. The terminal branches attach to a muscle, gland, skin or telodendrite of another neuron. तो हमने जो यहाँ पे terminal branches देखे थे जिसको हमने telodendron करके दिया था, ये किसी neuron के साथ जुड़ सकता है या फिर किसी muscle के साथ जहाँ पे हमको कोई movement कराना हो, या तो किसी gland के साथ जहाँ पे हम किसी chemical की secretion कराना चाहते हैं, या किसी दूसरे न्यूरॉन के टीलोडेंड्रॉन के साथ, मतलब आपस में ही जुड़े रहेंगे. द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन इज कॉल्ड एज साइनेप्स. तो दो न्यूरॉन अगर आपस में जुड़े हैं तो उसके बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स. या फिर न्यूरॉन टू मोटर ऑर्गन, मोटर ऑर्गन मतलब जहां पर भी हमको मूवमेंट कराना है तो उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ होगा. इट इज़ यूजली एक्सोडेंड्रॉनिक और मे बी एक्सो एक्सॉनिक और एक्सोसोमैटिक और डेंड्रोडेंड्रॉनिक. ये सारे क्या टर्म्स हैं कि हमको कनेक्शन कैसे दिखते हैं न्यूरॉन्स के बीच में. तो कनेक्शन शायद एक्सोडेंड्रॉनिक हो सकता है, मतलब सपोज ये न्यूरॉन वन है तो इस फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक्सो एक्सॉनिक हो सकता है फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच, या एक्सो सोमैटिक हो सकता है फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन का साइटोन. सोमा का मतलब है यहाँ पे साइटोन की बात हो रही है, सेल बॉडी. या फिर डेंड्रोडेंड्रॉनिक, फर्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रॉन और सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्रॉन. द साइटोन्स आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड गैंग्लिया. साइटोन ये जो न्यूरॉन के जो बंडल्स हैं, न्यूरॉन में साइटोन के बंडल्स, वो हमको कहाँ पे दिखते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड इन द गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या होता है, नर्व का बंडल. न्यूरॉन्स में जो साइटोन होते हैं, इस साइटोन के बंडल को हम गैंग्लिया भी कह सकते हैं. तो ये टर्म्स हम आगे भी देखेंगे. स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया. ये आगे जितने भी टॉपिक्स हम देखेंगे इवन ब्रेन के पार्ट्स में भी, तो ये रिप्रेजेंट होगा बेसल न्यूक्लियस. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ये देखेंगे ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन यानी अपर ब्रेन, मिड हाइंड ब्रेन जिसको हम लोग लोअर ब्रेन कहते हैं. तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम करके हिस्सा होता है, जो है वो सेरेब्रम का बना होता है हमारा ब्रेटेक्स. अब क्या होता है कि इस कॉर्टेक्स में
ये है एक्सॉन। तो सेरेब्रम के आउटर रीजन में कॉर्टेक्स में साइटोन का बंडल प्रेजेंट होता है, और साइटोन में हमने क्या बोला था, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ब्रेन का ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है। और जो मेडुला वाला रीजन है ब्रेन का इनर रीजन, वो एक्सॉन का बना होता है। एक्सॉन के बाहर हमको एक फैटी टिश्यू मिलता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ करके कहते हैं। तो माइलिन शीथ एक वाइट फैटी टिश्यू है। तो यहाँ पे मेड्यूला में न्यूरॉन के एक्सॉन के बंडल के वजह से ये कैसे दिखाई देंगे, वाइट कलर का दिखाई देगा। तो इस पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पे देखो जो आउटर पोर्शन है ब्रेन का जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इस कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब साइटोन का बंडल होगा, और अंदर जो वाइट मैटर है जिसको हम लोग मेड्यूला करके कहते हैं, ओके, अंदर के रीजन को, यहाँ पे एक्सॉन का बंडल प्रेजेंट होगा। तो एक्सॉन में फैटी टिश्यू होता है बोल के ये वाइट कलर का दिखता है। अब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ साइटोन के जो पैचेस हैं वो हमको यहाँ पे वाइट मैटर में दिख सकते हैं, मतलब वाइट में भी थोड़े बहुत ग्रे पैचेस हमको यहाँ पे दिखेंगे, और इसी पैच को हम क्या बोलते हैं, बेसल, जस्ट अ मिनट, वही वाला शेयर करते हैं स्क्रीन को। सी, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेसल न्यूक्लियर, ठीक है। तब व्हाइट मैटर में भी जब हमको थोड़े से ग्रे पैचेस दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियर। आगे क्या दिया है, अ बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल का मतलब होता है झुंड, कलेक्शन। बंडल ऑफ एक्सॉन मतलब न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होते हैं उसका कलेक्शन। अ बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलेमा। नर्व क्या होता है, हमने बोला था एक्सॉन का वो बंडल जो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस के अंदर की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो बंडल ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग नर्व कहते हैं। तो इसको हम लोग न्यूरिलेमा से कवर भी कवर किया जाता है। इसको पहले रीड कर लेते हैं। अ बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलेमा इन द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व, व्हाइल इन द मेड्यूलेटेड नर्व इट इज कवर्ड बोथ बाय मेड्यूलरी शीथ एंड ऑन द आउटसाइड बाय न्यूरिलेमा। दो टाइप के नर्व दिखते हैं, एक होता है मेड्यूलेटेड और दूसरा होता है नॉन मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड नर्व को हम माइलिनेटेड नर्व भी कहते हैं, और नॉन मेड्यूलेटेड को नॉन माइलिनेटेड भी कहा जाता है। जिस नर्व फाइबर में, मतलब न्यूरॉन के एक्सॉन में, आपको बाहर ऐसे माइलिन शीथ दिखता है, ऐसे नर्व को हम कहते हैं मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड। जिस नर्व फाइबर में आपको बाहर कोई भी माइलिन शीथ नहीं दिखता उसको हम नॉन मेड्यूलेटेड या नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि मेड्यूलेटेड नर्व में आपको बाहर माइलिन शीथ भी दिखेगा और न्यूरिलेमा भी दिखेगा। न्यूरिलेमा माइलिन शीथ के बाहर प्रेजेंट होता है ऐसे, लेकिन नॉन माइलिनेटेड शीथ में आपको कोई भी माइलिन नहीं दिखेगा, सिर्फ बाहर एक न्यूरिलेमा प्रेजेंट होगा। कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाय द मेड्यूलेटेड नर्व इज 50 टाइम्स फास्टर देन इन द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व। अब होता क्या है कि ये जो माइलिन शीथ है, नॉर्मल, तो जब आप वॉक करते हैं और रन करते हैं, दोनों में से आपका स्पीड ज़्यादा कब होता है, रन करते वक्त, तो उसी तरह से जब इम्पल्सेस नोड ऑफ रेनवियर से जंप करेंगे तो उनका स्पीड 50 टाइम्स फास्ट होता है कंपेयर टू नॉन मेड्यूलेटेड नर्व।
The connective tissue covering अराउंड द नर्व फेसिकल इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम. अब ये टर्म्स क्या होते हैं, एंडोन्यूरियम वगैरह, इसे देख लेते हैं. सबसे पहले तो फेसिकल का मतलब होता है बंडल, नर्व का बंडल. तो नर्व के बंडल को अंदर से कवर किया गया है बाय अ टिश्यू जिसको हम लोग एंडोन्यूरियम कहते हैं. तो ये देखो, ये है एंडोन्यूरियम. सी, ये है नर्व का बंडल, इसको अंदर से एंडोन्यूरियम से कवर किया गया है. फ्यू नर्व फेसिकुलाई विद एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. अगेन, नर्व फेसिकुलाई मतलब नर्व का बंडल. तो कुछ नर्व के बंडल जिसको एंडोन्यूरियम से कवर किए गए, ऐसे बहुत सारे बंडल हमको दिख रहे हैं, उसको बाहर से फिर से एक टिश्यू कवर करता है जिसको हम कहते हैं पेरिन्यूरियम. पेरी मतलब सराउंडिंग, एंडोन्यूरियम और नर्व फाइबर को सराउंड कर रहा है. एंड अ स्टिल लार्ज बंडल ऑफ नर्व इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय एपिन्यूरियम. और बहुत सारे जो बड़े बड़े बंडल ऑफ नर्व हैं उनको बाहर से कवर किया जाता है बाय एपिन्यूरियम. ब्लड इज सप्लाई टू ऑल द नर्व्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. तो न्यूरॉन्स में ब्लड की भी सप्लाई होती है ताकि उनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिले. तो इसको कैसे रिवाइज करेंगे, फेसिकल मतलब नर्व के बंडल को अंदर से एंडोन्यूरियम कवर करता है, और इस एंडोन्यूरियम और नर्व के बंडल्स को पेरिन्यूरियम कवर करता है, बड़े बड़े नर्व के बंडल को बाहर से एपिन्यूरियम कवर करता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यूरोग्लियल सेल्स. इस पार्ट को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं. न्यूरोग्लियल सेल्स को सिंपल टर्म्स में हमने क्या बोला, सपोर्टिंग सेल्स. तो ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, न्यूरो यानी न्यूरॉन. तो ये न्यूरॉन के साथ चिपके होते हैं और इम्पल्स को पास करने में हेल्प करते हैं. न्यूरोग्लियल सेल्स आर फार ग्रेटर इन नंबर देन द न्यूरॉन. तो हमेशा याद रखना कि न्यूरॉन से ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर दैट प्रोड्यूस न्यूरॉन. तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो हमने रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पढ़ा था कि इनमें जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है. आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को मीजोडर्म, इनर लेयर को एंडोडर्म. और ये जो अलग अलग जर्म लेयर्स हैं, अलग अलग सिस्टम फॉर्म करते हैं. तो आउटर एक्टोडर्म जो है, ये किसको प्रोड्यूस करेगा, न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, और न्यूरॉन्स के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स को भी प्रोड्यूस करेगा. तो दोनों का ओरिजिन सेम है. द टर्म न्यूरोग्लिया रेफर्स टू द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब अगेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलते हैं जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व. ये दोनों मिलकर किसका हिस्सा बनाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऑल्सो अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज और फ्री वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं, तो सभी अटेंड कर सकते हैं. इसे अटेंड करने के लिए आपको ऐप में सेल्फ स्टडी सेक्शन में जाना है. बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी वर्कशॉप है आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज दिया जाएगा, और टेलीग्राम लिंक के लिए आप मेरे प्रोफाइल पे किसी भी वीडियो को चेक कर सकते हैं. वहाँ पे टेलीग्राम के लिंक को पिन करके रखा गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो आगे देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. अभी ये वाला जो पार्ट है न्यूरोग्लियल सेल्स, ये थोड़ा डिटेल्ड है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. एक बार हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं. तो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटॉन करके कहते हैं, इनके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी मिलेगा हमको. अगर साइटॉन नीचे से एक एक्सटेंशन शो कर रहा है जिसको हम लोग एक्सॉन करके कहते हैं, सिंगल एक्सॉन, और कुछ कॉनिकल प्रोजेक्शंस बना रहे हैं जिसको हम लोग डेंड्रॉन करके कहते हैं, तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर, क्योंकि एक ही एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं. तो इस डेंड्रॉन में से
कुछ ब्रांचिंग्स निकलते हैं जिसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। न्यूरो साइटोन का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हमने क्या नाम दिया था? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? कहाँ था? निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी एक्सेट्रा, और कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी हमको दिखेंगे। न्यूरोफाइब्रिल मतलब कुछ फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो इंपल्स को पास करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने निसल ग्रैन्यूल क्या बोला था? निसल ग्रैन्यूल आरएनए प्रोटीन बॉडी है, मतलब आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो किसकी सिंथेसिस करेगा? एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, और ये एंजाइम क्या बनेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल है जो केमिकल इंपल्स को पास करने में हेल्प करते हैं। एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? एक्सॉन हिलॉक से। तो ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, यही आगे एक्सॉन बना रहा है, यहीं से एक्सॉन एक्सटेंड हो रहा है। एक्सॉन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको श्वान सेल्स कहते हैं। सो श्वान सेल्स में हमको न्यूक्लियस भी मिलता है और साइटोप्लाज्म भी मिलता है, और इसके बाहर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगा। श्वान सेल को किससे कवर किया गया? एक फैटी टिश्यू से कवर किया गया जिसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। तो जिस नर्व फाइबर में माइलिन शीथ प्रेजेंट है उनको हमने क्या नाम दिया था? माइलिनेटेड। और जिसमें नहीं होता वो होता नॉन माइलिनेटेड। माइलिन शीथ के बाहर हमको एक और लेयर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरीलेमा। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ होता है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट होंगे, और इस गैप को हमने क्या बोला था? नोड ऑफ रेनवियर। तो मैसेज हमेशा कैसे पास होता है? नोड ऑफ रेनवियर से जंप करके। तो क्योंकि इम्पल्स जंप करते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, इनकी जो स्पीड होती है वो 50 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड मतलब जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता। फिर हमने ये भी बोला कि एक्सॉन किस में टर्मिनेट हो रहा है, ये देखेंगे आगे भी। एक्सॉन जो है एक्सॉन टर्मिनल्स में एंड हो रहा है, और दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनाप्स करके कहते हैं। साइनाप्स में हमको कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? साइनाप्टिक नॉब। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई हैव नो आइडिया सलमान कि आप कौन से चैनल की बात कर रहे हैं। जो HSC महाराष्ट्र बोर्ड का चैनल है यही है जिसमें हम वीडियो देख रहे हैं। 11th और 12th के वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, विल वाइंड अप। मीनवाइल आप प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं अनअकैडमी के, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस हैं जहाँ पे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया है।